हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या कवर होगा दोस्तों? इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन जो है इसी में दिया जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आपके पास चार ऑप्शन है, हार्ट, स्किन, सेल या फिर बोन्स। दोस्तों कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, भगत सिंह, आत्माराम पांडुरंग, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। दोस्तों प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधा कृष्णन या फिर श्री भीवीगिरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ या फिर वेनस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जुपिटर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, हु प्लेड द रोल ऑफ MS धोनी? दोस्तों ये जो फिल्म है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इसमें MS धोनी का रोल किसने प्ले किया था? अनुपम खेर, सुशांत सिंह राजपूत, MS धोनी या फिर सलमान खान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, दोस्तों ये ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम, फीस, जूट या फिर मिल्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, दोस्तों फ्रांस का कैपिटल क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, ढाका, बर्लिन, पेरिस या फिर जकार्ता। दोस्तों फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कैलीकट, दोस्तों कैलीकट का न्यू नेम क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो कलकत्ता है इसका नेम चेंज करके क्या रखा गया था? कोलकाता। ठीक है, और कैलीकट का नाम जो है ये क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था कोझिकोड़े। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड़े। कोझिकोड़े याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में वहां पर प्लेन दुर्घटना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोझिकोड़े, यानी कालीकट का नाम बदलकर कोझिकोड़े रखा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दोस्तों कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम दूर का चीज को देख सकते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, बाइनोकुलर्स है, बैरोमीटर है, अल्टीमीटर है या फिर कैलिपर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनोकुलर्स, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन, दोस्तों ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन, आपके पास चार ऑप्शन है, 23 जून 1757, 8 अगस्त 1645, 29 जुलाई 1657 या फिर 1 अप्रैल 1824। दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी जो है ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, दोस्तों हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन जो है ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 21, आर्टिकल 21, 21A, 26 या फिर 27। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21A, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दोस्तों भारत का जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी हाल ही में कौन बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील अरोड़ा। किसके बाद बने हैं? अशोक लवासा के बाद। ठीक है, सुनील अरोड़ा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, दोस्तों यूनाइटेड नेशन का
वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी WHD ये कब मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, दोस्तों ये मानस टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात है, असम, बिहार या फिर झारखंड। दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है? असम में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कानपुर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक, दोस्तों कानपुर जो है ये किस नदी के किनारे बसा गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, गोमती, भागीरथी, महानदी या फिर गंगा। दोस्तों कानपुर जो है ये द गंगेश के बगल में बसा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा के बगल में बसा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हु डिस्कवर्ड डीजल इंजन, डीजल इंजन का खोज किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, अल्फ्रेड नोबल, रुडोल्फ डीजल, पास्कल या फिर राइट ब्रदर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, देखिए इसी के नाम पर रखा गया था डीजल इंजन। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, वोल्ट है, पास्कल है, एम्पियर है या फिर कूलम्ब है। दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम्ब, इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, दोस्तों फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, बॉस इंडिकस, राना टिग्रीना, होमोसेपियंस या फिर फेलिस डोमेस्टिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राना टिग्रीना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु मर्डर्ड माइकल ओडायर इन लंदन, दोस्तों माइकल ओडायर का मर्डर किसने किया था लंदन में? जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है माइकल ओडायर का मर्डर किया था किसने? उधम सिंह ने, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COVID-19, दोस्तों ये जो COVID-19 इसे पूरी दुनिया भी परेशान है, तो ये COVID-19 का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, चाइनीज वायरस डिजीज 2019, कॉमन वायरस डिजीज 2019 या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज 2019, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज और ये 2019 में हुआ था, ठीक है, ये 2019 से ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको 2019 दिया गया, ठीक है। आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको भी इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन, दोस्तों ये जो जोजिला पास है ये कहाँ पर है? पास मतलब होता है ऐसे दो माउंटेन है ना, दो माउंटेन है, इसके बीच का जो रास्ता होता है इसको हम लोग पास कहते हैं, ठीक है, दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम लोग पास करते हैं। दोस्तों ये जो जोजिला पास है ये कहाँ पर है? आपके पास चार ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर, असम, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, ठीक है। दोस्तों जिसको भी इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।